अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आजाद चाय वाला। चंद महीने पहले मैंने आपको यूके में एक को वर्किंग स्पेस जो है उसका हल्का फुल्का टूर करवाया था। मैंने आपको समझाया था कि ये को वर्किंग स्पेसेस क्या होती हैं। तो अब मुझे मौका मिला है कि मैं आपको इस्लामाबाद में एक अच्छी खासी चलती हुई को वर्किंग स्पेस दिखाऊँ। और असल में जो ये टूर है वो इनके मैनेजर हैं जुहेब, जिनको हम लिफ्ट में मिले थे, उनको वादा किया था कि हम आएंगे। नाउ वी वेंट और अब उनकी जुबानी सुनते हैं कि कोवर्किंग स्पेस क्या होती है, इसके आपको एज एन एंटरप्रेन्योर क्या फायदा है, एंड अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको किस तरह आना है, क्या आपका खर्चा आएगा, क्या आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या होंगी वगैरह वगैरह। सो आइए देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज ज़ुहेब यूसुफ, वर्किंग एज मैनेजर लॉन्च पैड कोवर्किंग स्पेस। बेसिकली कोवर्किंग स्पेस के हवाले से ऐसे है कि जो हमारा बेसिकली लॉन्च पैड 7 है, यहाँ पे बेसिकली स्टार्टअप्स आते हैं, फ्रीलांसर्स आते हैं, एक एनवायरनमेंट बिल्डअप करने के लिए, एक ऑफिस एनवायरनमेंट और एक ऑफिस की परचेजिंग और उनके सारे एक्सपेंसेस को बिल्डअप करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, फिर उसके बाद काफ़ी एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो उन चीज़ों को बेसिकली ये जितनी भी हर्डल्स हैं उनको बेसिकली आसान करने के लिए कोशिश ये की है कि उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसके अंदर वो लो कॉस्ट के अंदर वो सारी चीज़ों को इंजॉय कर सकें जो कि एक मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। 2015 के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया था इस्लाम रावलपिंडी से। रावलपिंडी में हमारी फर्स्ट लोकेशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसको एक्सपेंड किया और अब हम इस्लामाबाद में मेन एरिया, ब्लू एरिया जो है इस्लामाबाद का हार्ट है, इस टाइम हम वहाँ पे मेन रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। ना हम सिर्फ इस जगह पे इस्लामाबाद में इस बिल्डिंग में, बल्कि इसके ऑपोजिट एक बिल्डिंग है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सपेंड किया और उसमें फिर हम लोगों ने शिफ्ट किया। जो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो एक क्विक सा विज़िट करते हैं उसका, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करें। ये बेसिकली हमारा शेयर्ड इन्वायरमेंट है सारा, कि जिसके ऊपर हम बेसिकली पर सीट चार्ज कर रहे होते हैं। टीम साइज़ हमारा 1-2 पर्सन है, तो वो ईज़िली यहाँ पर आके बैठ सकते हैं। और वो इस एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे यहाँ पे टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, वो प्रॉपरली अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली हम उनको सारा देखते हैं। ये हमारा बेसिकली प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, कोई भी कंपनी आती है सीधा वो इंसर्ट करेगी, विद इन फ्यू सेकंड्स वो बेसिकली चीज़ों को ऑपरेशनली कर सकती है। तो ये शेयर्ड इन्वायरमेंट था हमारा, और ये अभी हमारा रिसेंटली जो मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ कि हमारा इवेंट एरिया है, यही बेसिकली डिफरेंस क्रिएट करता है हमें हमारा बाकियों के साथ, जिसमें कोई कंपनीज बाहर से हमारा बेसिकली इसको पर आर के ऊपर या इस तरह डिफरेंट पैकेजेस के ऊपर हमसे लेती हैं इस जगह को, और उसके अंदर वो फिर अपने इवेंट्स एग्जीक्यूट करती हैं। और इस हवाले से यहाँ पे वीकेंड के ऊपर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, और यहीं पे बेसिकली हम उन स्पीकर्स को, उन कंपनीज को प्रमोट भी कर रहे होते हैं साथ साथ, कि जो बेसिकली यहाँ पर आएँ और हमारे चैनल के थ्रू इन चीज़ों को ले कर चलें आगे। जो ये ट्रेनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनको बेसिकली हम कनेक्ट करते हैं इंडस्ट्री के लोगों के साथ, और फिर जो हमारी एक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस आती है लिफ्ट कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फ्रेंस है जो कि हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा इवेंट एरिया था जी। इसकी जितनी भी बेसिक्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्टर, फिर उसके बाद वाइड स्क्रीन, अगर किसी ने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे सकता है इजीली, और वो सारा। और ये हमारे कुछ केबिन्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइवेट ऑफिसेज हम लोग, हमारे दो मॉडल्स हैं, एक शेयर्ड का कॉन्सेप्ट है, एक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है। ये हमारे प्राइवेट ऑफिसेज हैं, हमने बेसिकली इनको एलोकेशन की हुई है कंपनी बाय द नेम ऑफ द कंपनीज, और उसको बेसिकली हमने किया हुआ है कि कौन सी कंपनी जो है, फिर उसको हमने ऑफिस 1 ऑफिस 2 प्रॉपरली उनको वो स्पेस दी हुई। तो ये हमारा एक ऑफिस है। इस तरह हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी टीम का साइज़ 7-8 या इससे ज़्यादा का है, तो उस साइज़ के हमने ऑफिसेज बेसिकली यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो ये हमारा उनमें से एक प्राइवेट ऑफिस है, जिसके अंदर हमारा इन विंटर्स अगर आपको हीटेड इन्वायरमेंट चाहिए तो इन्वर्टर लगे हुए हैं, फिर उसके बाद आपको कूलिंग इन्वायरमेंट चाहिए तो ACs यहाँ पे बेसिकली हमारे इंस्टॉल्ड हैं, फिर उसके बाद LEDs, फिर टेबल्स, फिर उसके बाद इंसर्टेड वायर्स, और फिर उसके बाद आपकी एक्सटेंशंस जो कि टेबल्स के अंदर इंसर्टेड हैं, वो सारा कुछ बेसिकली ना एक बड़ा प्रोफेशनल सा एनवायरनमेंट दिया हुआ है। तो ये बेसिकली कुछ कॉस्ट के ऊपर आपका ये एक ऑफिस तैयार हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ऑफिसेज हो गए और इवेंट एरिया हो गया, फिर उसके बाद हमारा बेसिकली हम लंच को और हाइजेनिक फूड को बेसिकली हम बहुत प्रेफरेंस देते हैं इसके अंदर। तो हमारा बेसिकली फूड के लिए, फूड मेकिंग के लिए, बेकिंग के लिए हमारा सेपरेट किचन है जो हमने एलोकेट किया हुआ है। वहाँ पर प्रॉपर एक हमने कुक और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि जिससे बेसिकली हम लोग इस चीज़ को मेक
श्योर करते हैं कि हमारा फूड के ऊपर कंप्रोमाइज़ किसी तरह ना हो, फूड अवेलेबल है, टी कॉफ़ी ये सारी चीज़ें, रिफ्रेशमेंट हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं इसके अंदर, वॉशरूम सेपरेट वॉशरूम्स दिए हुए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे बेसिकली कुछ मीटिंग रूम्स हैं, अगर कंपनीज बेसिकली चाहती हैं कि, क्योंकि आपको पता है कि सेपरेट एनवायरनमेंट हर किसी को ज़रा पसंद आता है, फिजिबल होता है, तो बेसिकली ये हमारा एक समझ लें एक हमारा मीटिंग रूम है जिसके अंदर एक प्रॉपर एक LED हमने लगाई हुई है। अच्छा, जितने भी लोग हैं जो बेसिकली कोवर्किंग स्पेस के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को किसी विजन के तहत बेसिकली इस चीज़ को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ जब एग्जिस्ट कर रही है तो क्या डिफरेंस आप बेसिकली और क्या बेसिकली आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, क्या लूप होल कवर कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उस पर देखना होगा। सर्विसेज पे बेसिकली आपको कंप्रोमाइज़ कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके क्लाइंट्स और वो आप उनको ऑफिस स्पेस देते हैं तो आपका उनके साथ फुल डे फुल नाइट इंटरेक्शन रहती है, ठीक है। कुछ आपके लोग ऐसे हैं कि जो नाइट शिफ्ट में अवेलेबल होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो डे शिफ्ट में होते हैं, तो आपके जब उन लोगों के साथ इंटरेक्शन रहती है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप बेसिकली अपनी सर्विसेज एटलीस्ट जो आपने चीज़ें कमिट की हैं उनके साथ वो देखें, फिर उसके बाद आप कोशिश ये करें कि आपकी इंटरनेट फैसिलिटी, फिर आपका फूड, फिर उसके बाद आप अगर उसके अंदर अपना इवेंट एरिया भी प्रोड्यूस कर दें तो ये भी वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। मॉडल जो समझने की ज़रूरत है उसमें ये है कि हम प्राइवेट मॉडल है एक इसमें और एक शेयर्ड मॉडल है, तो इस चीज़ के हवाले से देख लें कि जब भी आप स्टार्ट करें तो आपकी बिल्डिंग बेसिकली ऐसे हो कि जिसके अंदर आप इन दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को कर सकें, तो ये कंप्लीट पैकेज बन जाता है। यहाँ से बेसिकली रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी एक चीज़ को लेकर चलेंगे तो टाइम लगेगा उसके एक्सपेंशन में, और उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी उस पर्टिकुलर बिल्डिंग या सेटअप के अंदर होगी नहीं। तो कोशिश ये करें कि आपके पास इन तीन चार चीज़ों की जो कवर कर रही हो ऐसी आपके पास स्पेस हो, और फिर आप इसको बेसिकली मतलब रेंट के ऊपर भी ले सकते हैं। अगर आप ऑन करते हैं किसी बिल्डिंग को और वहाँ पे ऐसी कुछ स्क्वेयर फीट्स की जगह है, लाइक ये अभी 3200 प्लस की स्क्वेयर फीट की जगह, तो अगर आप इतनी स्क्वेयर फीट की कोई जगह ऑन करते हैं तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो एक तो ये है कि आप उनको प्रॉपरली पहले बना के ऑफिस देना शुरू कर दें, लेकिन दूसरा ये है कि अगर आप क्लाइंट्स का इन्फ्लक्स ले आएँ और उसके बाद उनके मुताबिक उन चीज़ों को कस्टमाइज करते हुए बनाएं ऑफिसेज को, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर मतलब सोचा जा सकता है, काम किया जा सकता है। काम बहुत अच्छा है, जाहिर है कि इस टाइम हमारी कंट्री को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड है वो है बेसिकली एंटरप्रेन्योर रिलेटेड माइंड सेट। अब वो माइंडसेट हमें बेसिकली यहीं से मिलता है जिसके अंदर आप डिफरेंट कंपनीज एक जगह पे बैठ के काम करती हैं, तो ये बेसिकली मैं तो प्रमोट भी करता हूँ इस चीज़ को कि आप लोग इस काम में ज़रूर आएँ। यूथ को मैं कहता हूँ कि वो इस काम में ज़रूर आए, आप इवेंट्स मैनेज करें अपने, आप टीम ऑफिस स्पेस दें लोगों को ताकि लोग अपने कम बजट के अंदर वो तमाम चीज़ें इंजॉय कर सकें जो एक बड़े बजट के लिए बड़े बजट में इंसान करता है। अच्छा, इसमें अब बेसिकली अगर मैं बात करूं कि रेवेन्यू स्ट्रीम की, तो उसमें सबसे पहले तो आपके पास अगर कोई बिल्डिंग आप ओन करते हैं तो वेरी गुड, इसको आप मतलब के और वो सारी चीज़ें जो तीन चार चीज़ें मैंने बताई हैं जो एक कोवर्किंग स्पेस में होनी चाहिए, अगर तो वो हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आपको बेसिकली रेंट के ऊपर जाना पड़ता है, और आपको मतलब लाइक 1.5 लाख, ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे हैं, कहाँ पे, कौन सी सिटी में है, ये डिपेंड करती है चीज़। तो जैसे अभी हमारी रावलपिंडी वाली लोकेशन जो थी उसका रेंट इसके मुकाबले में, इस्लामाबाद वाली स्पेस के मुकाबले में थोड़ा सा कम था, तो अब इस्लामाबाद में हम बिल्कुल सामने फ्रंट पे हैं तो इस वजह से इसका रेंट थोड़ा ज़्यादा, तो बेसिकली 2.5 लाख या 3 लाख के अराउंड आपको रेंट पे कर, अब फिर उसके ऊपर बेसिकली आपके चार्जेस और आपकी फैसिलिटीज़ आपकी सर्विसेज आ जाती हैं, जिसके अंदर वही मैंने बताया कि रेवेन्यू स्ट्रीम आपकी कैसे अच्छी बन सकती है कि जब आप इन तीनों चारों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, सबसे पहले इवेंट एरिया, फिर आपका प्राइवेट ऑफिस एरिया, फिर उसके बाद आपका शेयर्ड स्पेस, तो ये इन तीनों चारों चीज़ों को आप लेके जब साथ चलेंगे तो आप का मतलब वीकडेज तो आपके ऑलरेडी ऑफिसेज को जाएंगे, लेकिन जो आपके वीकेंड्स होंगे वो भी आपके यूटिलाइज हो रहे होंगे। तो इसके हवाले से फिर आप बेसिकली पर आर जो है इवेंट एरिया अपना आप कंपनीज को दे सकते हैं। जी, इस टाइम मतलब अगर मैं कंक्लूड करूँ इस सारी डिस्कशन को, तो इसमें हमारी कंट्री को इस टाइम इकोनॉमिक जो क्राइसिस से गुजर रहा है उसके अंदर मैं सबको ये कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग अपने एंड पे मतलब गवर्नमेंट लेवल पे जो काम हो रहा है अल्लाह पाक उनको तरक्की दे, सक्सेस दे, लेकिन आप लोग अपने एंड पे इन चीज़ों को बेसिकली अपॉर्चुनिटी क्रिएशन की तरफ जाएँ आप लोग, और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें ऐसे लोगों के लिए। आप देखें, एक
अम्ब्रेला के अंदर, एक रूफ के अंडर आपके पास 15 से 20 कंपनीज आ जाती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के ग्रेजुएटेड स्टार्टअप जो हैं वो हमारे सिलिकॉन वैली में कोई बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, अपनी अपनी कंपनीज उन्होंने माशाल्लाह एस्टैब्लिश कर ली हैं। थैंक यू।